बढ़िया बढ़िया। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय काला वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जय काले, हर हर महादेव, जय महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं हिलना नहीं, हिलना नहीं, आने दो आने दो, अभी पांच चार बार। भाई पता नहीं क्या कर रहे हो। दिल टूटा मेरे यार को मना दे, भूल प्यार फिर जगा दे, भूल शिक्षा नगरी रुड़ के आगमन पर सभी शुभ कार्य का है। आगे विजुअल काली बाबा दीजिए बात। रश्मि चौधरी जी को और उनकी पूरी टीम को, दिनेश कौशिक जी को, सबको मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया और जो हमारे कांवड़िए भाई जो शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों को जा रहे हैं हरिद्वार से, उनके आज यहां पर सेवा के लिए उनको फल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। और ये भारत की ही परंपरा है जो सदियों सदियों से चलती आती है और हमेशा चलती रहती है। ये गंगा की तरह अविरल है और ये कभी रुकती नहीं है। हर साल कांवड़ियों की संख्या बढ़ती जाती है और भारत माता इसीलिए आज जीवित है दुनिया में इतने हमले झेलने के बाद भी, कि यहाँ पर जो भक्ति है लोगों के अंदर, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो आराध्य शिव हैं जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है, आज ये उनका उनके प्रति समर्पण का ये त्यौहार है, पर्व है। और इतना बड़ा मेला दुनिया में कोई दूसरा होता नहीं है जो इतने लंबे क्षेत्र में फैला हो और इतने लोग भागीदारी करें और इतने लंबे दिनों तक चले। तो आज मैं सभी शिव भक्त कांवड़ियों को, उत्तराखंड के समस्त लोगों को जो इनकी सेवा में लगे हैं, उन सबको बधाई देना चाहता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आने वाले समय में सब लोग मिलकर भारत की संस्कृति की रक्षा करते रहेंगे। अच्छा, ये सरकार का काम नहीं है, ये सामाजिक कार्य है, धार्मिक कार्य है, सांस्कृतिक कार्य है। अगर सब चीज़ें सरकार करेगी तो आम लोग क्या करेंगे? ये देश का, ये जनता का काम है, हम लोगों का काम है कि हम संस्कृति की रक्षा करें, सरकार का नहीं। सरकार का काम है कानून व्यवस्था बनाना और वो कर रही है। उत्तराखंड में जो मार्ग है कांवड़ का, उसको वो और जो उत्तर प्रदेश में है, उनमें दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ की कानून व्यवस्था, यहाँ की पुलिस की सीमाएं, ये अलग हैं। तो इसलिए जो यहाँ पर बैठकर सबने निर्णय लिया है, और जब निर्णय लिए जाते हैं तो पूरा पुलिस प्रशासन सरकार सब लोग मिलकर लेते हैं। और उन्होंने जो निर्णय लिया है, कोई भी निर्णय इसलिए नहीं है कि कांवड़ियों के विरोध में है, लेकिन यहाँ की कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पहले भी कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिनको अवॉइड किया जाना जरूरी था, तो इसलिए वो निर्णय लिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर पूरी सरकार कांवड़ियों के साथ है, कांवड़ियों के हित की रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए पूरे काम कर रही है। हर तरह से पुलिस चाक चौबंद है और कहीं भी किसी को कोई कठिनाई नहीं आने दी जा रही। मतलब हमारे जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, मैं गुप्ता जी हमारे रुड़की के सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, दिनेश कौशिक भैया है, और सभी हमारी महिला शक्ति कम्प्लीटली मतलब इस सेवा में लगी हुई है। और ये तो भोलों की सेवा है, इसमें बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शंकर भगवान का आशीर्वाद है, इसी वजह से हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। यदि प्रभु का आशीर्वाद न हो तो हम खड़े नहीं हो सकते। जय भोले। हमारी रश्मि चौधरी जी जो वरिष्ठ भाजपा नेत्री हैं, उन्होंने आज यहाँ पर जो है फल वितरण कार्यक्रम, मुख्य अतिथि हमारे बहुत सम्मानित और भाजपा के वरिष्ठ प्रदेश के नेता भाई मयंक गुप्ता जी यहाँ पहुँचे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें तमाम हमारी महिलाओं की भागीदारी है, मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ। भाई संजय पाल जी पहुँचे, उनका स्वागत करता हूँ। और ये आपने उत्तर प्रदेश से बाहर भिजवा दिए डीजे, उत्तराखंड से बाहर? नहीं नहीं, जो कानून के तहत जो परमिशन दे रहे हैं उन सबको परमिशन दी जा रही है, लेकिन एक बहुत ही बड़ा हाउल्ले वाला काम जो है वो सरकारें चाहती हैं कि उससे व्यवस्था न फैले और सबका सहयोग मिले, उसमें इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई भेदभाव की बात नहीं है। उनके लिए तो सारी व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तराखंड की सरकार, दोनों ने इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है कि जितनी मुंह से तारीफ करो वो कम है। आज देखो पूरा जन सैलाब किस तरह से, मैं समझता हूँ कि 35-40 लाख अब तक भोले भाई जो है जो वहाँ से पवित्र गंगा जल लेके जो है नीलकंठ महादेव से, गौमुख से, हरिद्वार से लेके चले हैं, वो गंतव्य की ओर जा रहे हैं, पूरा महादेव पर जा रहे हैं, देश के अनेक प्रदेशों में जा रहे हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देनी चाहूँगा कि भगवान ईश्वर उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे
श्रावण मास के अवसर पर कांवड़ चल रही हैं, शिव भक्तों जो हैं कांवड़ लेकर जा रहे हैं, उसमें हम लोग रश्मि चौधरी जी के आयोजक मंडल में हम लोग भी सेवा कर रहे हैं। और ये तो सेवा का कार्य है और इसमें भगवान के प्रति अपनी आस्था सभी लोग अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं। सबको हर हर महादेव। और जिस तरीके से वो अपने मन में जो भी मनोकामना है, जो उनके मन में कामना आ रही है, वो भोले शंकर जी जरूर पूरी करेंगे। जिस तरीके से वो जल लेकर के जा रहे हैं और लगातार वो चल रहे थे गर्मी के मौसम में भी, तो सभी को भोले भक्तों को शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त अपने गंतव्य स्थान पर सकुशल पहुँचे और अच्छे से रहें, यही शुभकामनाओं के साथ उनको शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई।